मालखाने से चोरी मामले में आरोपी अरुण सिंह की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में लगातार राजनीति तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जब पुलिस ही अपराध करेगी तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर काबू होगा। वहीं दूसरी तरफ जो वाल्मीकि समाज की कहा जाए जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए लोग भी इस मामले में अपना विरोध जता रहे हैं और इस समय थाना जगदीशपुरा पहुंचे हुए हैं। आप बताइए, पुलिस हिरासत में मौत, कस्टोडियल डेथ, पहले से ही सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? देखिए, समाज ने अभी जो मांग की, अभी तो समाज एकत्रित हो गया है और उच्च अधिकारियों से और वाल्मीकि महापंचायत के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से वार्तालाप चल गई है अभी। और इसका नेतृत्व जो है एसपी सिटी जो हमारे आगे गए हैं रोहन बोत्तगे जी, उनको दिया गया है एडीजी साहब की तरफ से, उनसे वार्तालाप चल रही है अभी तो। और इसके बाद में जो हमारे युवक की मौत यहाँ जगदीशपुर थाना आगरा के अंदर हुई है, पुलिस हिरासत में हुई है, पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेजा हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि अगर उसकी मौत पुलिस से हुई है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आपके एक साथी की मौत हुई है पुलिस हिरासत में, किसको दोषी मान रहे हैं, कैसे पुलिस कह रही है कि हार्ट अटैक? ये क्लियर नहीं हुआ है तो इसलिए दोषी कहना भी सही नहीं है। जैसे क्लियर होता है तो अगर पुलिस के हिरासत में ये हुआ है तो मुकदमा दायर होगा। अगर इसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, दोषी हैं तो होनी चाहिए कार्रवाई। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और उनसे जुड़े हुए संगठन हैं उसके लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस मामले में एडीजी जोन राजीव कृष्ण खुद इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, कहीं जातीय तनाव ना पैदा हो। और चूंकि आज वाल्मीकि जयंती है और ऐसे में वाल्मीकि समाज का कहा जाए बहुत सबसे बड़ा दिन होता है, तो कुल मिला के कानून व्यवस्था की कैसी भी स्थिति ना पैदा हो इसके लिए एसपी कासगंज हैं जो रोहन बुत्रे, उनको भी यहाँ बुला लिया गया है। इसके साथ ही कई सारे और भी जो इंस्पेक्टर्स हैं जो अभी हाल ही में यहाँ से ट्रांसफ़र होकर गए हैं उनको भी बुला लिया गया है ताकि चीज़ें समझा बुझाकर शांत की जाए, क्योंकि इलेक्शन मोड है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस घटना का राजनीतिकीकरण करना चाहेंगे। और इसी क्रम में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है और सरकार भी इस पर नज़र रखे हुए है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।